भाई काफ़ी लेट हो गया, रात हो गई है, रात के 8:30-9 बजने वाले हैं। पता नहीं वो वीडियो बनाने की परमिशन देंगे नहीं देंगे। एक्चुअली मैं सुबह कहीं और गया हुआ था और मैं काफ़ी लेट हो गया था, फिर दोपहर में भी काफ़ी लेट हो गया, तो मैं 6 बजे घर से निकला और 8 बजे पहुँचा। अभी पहुँचा हूँ मैं द्वारका, अभी देखता हूँ मैं उन्होंने मेरे को एड्रेस दिया है, भगवान करे वीडियो बन जाए। तो भाई गुड न्यूज़ है, फाइनली वीडियो बनाने की परमिशन मिली है। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। एक्चुअली पता है क्या सीन था, दुकान क्लोज होने वाली थी, ऑलमोस्ट क्लोज हो ही गई थी, बट मैं बहुत सही टाइम पर पहुँच गया और उन्होंने मशक्कत करने के बाद तब जाके मेरे को वीडियो बनाने की परमिशन दी कि भाई तू आ जा। एक्चुअली मेरे को आना था दिन में, फिर मैंने शाम का बोला, फिर मैं पहुंचा रात के 8 बजे। तुम्हारा भाई लेट रहता हर चीज़ में, बट ये मेरी आदत बहुत गंदी है, मेरे को थोड़ी सुधारनी पड़ेगी लेट होने की आदत। तो अभी वो लंच कर रहे हैं, जैसे देख सकते हो पीछे दुकान है मेरी, वो रही दुकान, ठीक है, यहीं कहीं पर देख लेना। तो यहाँ पे भी भैया लंच कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, ठीक है, 8:30-9 बजने वाले हैं। ऐसे में देख सकते हो कितना आ रहा है मुझे। तो अभी वो खाना खा रहे, लंच कर रहे हैं, लंच करने के टाइम पे मैं वीडियो बनाने आया हूँ। तो यार थोड़ी एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना मत जाना। तो अभी जैसे वो लंच करते हैं मैं वीडियो की पूरी प्राइसिंग बताऊँगा। अभी तो मैं चप्पल में हूँ, देख सकते हो, और जूते मैंने खोल के रख लिए। अभी मैं दुकान में जा रहा हूँ, इतना पसीना आ रहा है ना, तो थोड़ा पीने जा रहा हूँ कुछ, दारू नहीं मतलब कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। तुम्हारा भाई दारू नहीं पीता, ये आंटी, और फ्रूटी मेरा फेवरेट है, सब में बढ़िया लगती है मेरे को। पूरी फ्रूटी ले ली हमने, तो अभी इसे पीएंगे, फिर अंदर थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाऊंगा, उसको दिखाता हूँ आगे करना क्या बहुत। तो व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, तो अभी देखो जैसे कि आप लोगों को पता है भाई ने मेरे को घुसने नहीं दिया था, ठीक है बाजी, क्यों घुसने नहीं दिया मुझे, मैं लेट हो गया, कोई काम नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्चुअली काफी लेट हो गया था, मैं काफी दूर से आया था, आप लोगों को पता होगा कि मैं सुबह निकला हुआ था गाजियाबाद और अभी आया हूँ मैं यहाँ पे द्वारका, ठीक है। तो ये पूरी एड्रेस बताऊंगा फिलहाल, तो अभी जल्दी वीडियो बनाते हैं क्योंकि भाई को भी लेट हो रहा है, मेरे को भी लेट हो रहा है और सोने का भी टाइम हो रहा है ना। तो अभी पाजी शुरू करते हैं, किससे स्टार्ट करें, पतंग से, मांझा से या फिर ना फर्स्ट टाइम ये रही 1 रुपए की 1 पतंग, ये 1 रुपए की 1 पतंग मिल जाएगी। देखो कितनी बढ़िया पतंग है, पिन्नी की पतंग बोलते हैं हम इसे, पिन्नी की दिल्ली वाले पतंग। तो पाजी अब नेक्स्ट बताओ क्या है आपके पास, मार्केट में नहीं कोई देगा 1 रुपए की 1 पतंग, मैं दे रहा हूँ 1 रुपए की 1। भाई पाजी दिल खुश कर दिया आपने, दिल खुश कर दिया। और दसो ये रही जो मार्केट में सभी देंगे 5 रुपए की, और मैं दे रहा हूँ 3 रुपए की। वो भाई साहब देखो पतंग की साइज देख लो एक बार, ये देखो और ये देखो कितना डिफरेंट है, ये देखो प्लस कर लें, ये आधे से अधिक कम आ रहा है, ये देखो कहाँ जा रही है और कहाँ जा रही है, देखो 5 की 3 में और 2 की 1 में। भाई साहब देखो काफी फर्क है भाई, काफी फर्क है, देख सकते हो साइज का भी, और उड़ने जब ये उड़ेगी तो और नेक्स्ट लेवल तक और अलग दिखेगी। बहुत बढ़िया लगी। और इससे आगे ये देखिए जो मार्केट में आपको ये गोल्डन और सिल्वर लोग देंगे 5 रुपए की, मैं दूंगा 4 रुपए की। वाह यार क्या कलर है भाई, सिल्वर, गोल्डन और ब्लैक, ये देख लो कितनी सेक्सी लुक है और काफी प्यारी लग रही है, देख सकते हो, मैं दूंगा 4 रुपए की, बहुत बढ़िया। और मार्केट प्राइस क्या है इसकी, मार्केट प्राइस 5 रुपए होगा, मैं 4 रुपए की दूंगा। क्या भाई साहब, ये सिर्फ आप लोगों के लिए गाइस, अगर आप आओगे तो आप लोगों को इस प्राइस में और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ भाई की शॉप में मिलेगी, है ना, सूर्य पंख का शॉप। हाँ तो पूरी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप जरूर शॉपिंग करना। ये देखो आप दिखाते हैं कागज 5 रुपए की है, ये देखो भाई साहब कितनी प्यारी लग रही है, एक से एक लिया है, पूरा भरा हुआ है स्टॉक, ये देखिए 1 से लेके ऊपर तक पूरा स्टॉक। सिनेमैटिक में आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने पूरा कलेक्शन दिखा दिया था। अब इनकी प्राइस से भी आगे मेरे पास काफी डिजाइन है, ये देखिए, ओ भाई साहब ये देखो करण औजला बना हुआ है करके, काफी डिजाइन लगे हुए, तिरंगा है और भी आगे देख लो पैटर्न मिल जाएंगे इसमें। अच्छा इसमें डिजाइन वाले भी मिल जाते हैं ना, नहीं 50 डिजाइन है मेरे पास। अच्छा ये देखो भाई एक से डिजाइन है, अभी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाऊंगा, 1 बाय 1 दिखाऊंगा सब, ठीक है डन। और इसकी क्या प्राइस है पाजी, एक बार बताना। 5 रुपए करण औजला वाला पतंग मिल रहा है 5 रुपए का। तो जो करण औजला का फैन है आना बनता है, जल्दी आके ले जाओ। ये भी 5 रुपए। वाह भाई ये भी लग रही है पतंग, 2 आंखें बनी हुई है, पूंछ इसके भी फिलहाल है नहीं, बट लगवा सकते हैं, लग जाती है। पूंछ वाली ये देखो, पूंछ वाली ये देखो आपके लिए, पूंछ वाली ये देखो भाई साहब कितनी बढ़िया लग रही है, देखो। और इसकी क्या प्राइस है पाजी, 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए आप लोगों के लिए मिल रहे हैं गाइस, देख सकते हो कितनी शानदार ये पतंग लग रही है। और जब ये आसमान में जाएगी ना तो अलग ही चमकेगी दूसरों की नजरों में, और सितारा बनने वाला ये दूसरों को काटने के उसमें। डबल फ्लाई है ये, डबल फ्लाई है गाइस, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हो, वाह इसकी तो जो फिगर बनी हुई है ना गाइस, सांप बोलते हैं मुझे एक्चुअल में नहीं पता, बट इसकी जो फिगर बनी हुई है ना, मजा आ रहा है पतंग की। वाह ये देख सकते हो पूंछ कितनी लंबी है। ये बन ये पतंग है अपनी स्टार बनी पड़ी है और काफी, हाँ देख सकते हो कितनी प्यारी लगी। और उसकी क्या प्राइस है भाई? इसका मार्केट में 10 रुपए होगा, हाँ मैं 8 रुपए की दूंगा। क्या बात है, देख सकते हो। अगर कोई 50 पीस लेगा तो, हाँ अच्छा 50 पीस, अगर कोई बल्ब में लेगा तो है ना, 50 पीस लेगा तो मैं 8 रुपए की दूंगा। आइदा कोई 10 पीस ले तो 10 रुपए के हिसाब से। चलो कोई नहीं, वो जिस तरीके से आपको लेना आप उस तरीके से आके ले सकते हो। जितनी क्वांटिटी होगी उतना रेट होगा। ये देखो ये छोटा भी मिल जाएगा आपको, पता हो गया। इसके अलावा ये देखिए अलग अलग पैटर्न है मेरे पास। देखो कार्टून वाले डोरेमोन मिल जाएंगे। अगर 1 by 1 निकालूं तो टाइम बहुत कम है मेरे पास, बहुत कम है क्योंकि स्टॉक की कोई गिनती ही नहीं है गाइस। बहुत सारे स्टॉक है, अगर एक एक करके दिखाना चाहे तो सुबह हो जाएगी। तो अभी हम आपको शॉर्ट में दिखा रहे जो डिमांडिंग पतंग है ना वो आपको दिखा रहे हैं। ये मार्केट में कम से कम 7 रुपए की होगी। ये मार्केट प्राइस जो है गाइस वो 7 रुपीज की मिल जाएगी। और भाई की प्राइस में दूंगा भाई साहब, देखो 2 रुपए की छूट। कितनी शानदार ये पतंग है, आपको मिल जाएगी रेड, ग्रीन एंड येलो, अलग से अलग कलर। ये देखिए गाइस एक से एक रंग मिलेगा, अलग से अलग। वाह बहुत अच्छा कलर है, काफी शानदार है और काफी यूनिक कलर है भाई। इसमें देखिए कौन कौन से कलर है। कैमरा जो है वो जस्टिस नहीं कर रहा होगा, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ना अपनी आंखों से वो आपको आने के बाद पता चलेगा। ये ऑरेंज, ग्रीन, ये देखो कलर, येलो, 1 by 1 कलर लगे हुए हैं, एक से एक कलर है मेरे पास। ये देखिए कलर की कोई हिसाब ही नहीं है गाइस, बहुत सारे कलर है। अगर आपको दिखाना है तो सुबह हो जाएगी। तो अभी देखते तो अब दिखाते हैं हम आपको तिरंगा, जो काफी डिमांड रहती है हर एक इंसान की जुबान पे। ये देखो आपको मिल जाएगी तिरंगा, काफी शानदार है, काफी अच्छी है। और ये देखो आवाज कितनी प्यारी है, उसके बारे में कुछ बताना भैया। ये 5 रुपए मार्केट में, 7 रुपए का, मैं 5 रुपए का लूंगा। अच्छा मार्केट में मिल जाएगा ये 7 रुपए का और भाई की शॉप में ये मिल जाएगा 5 रुपए का। और एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे होलसेल रिटेल दोनों है? होलसेल पर मैं जो अभी तक बता रहा हूँ ना, हाँ ये होलसेल। अच्छा ये जो उनका जो रेट है ना वो अलग है, वो इसका हम 7 रुपए बच्चों को देते हैं क्योंकि जो हमारे पास बच्चे आते हैं हमारी कॉलोनी के, अच्छा उनको 5 रुपए के देंगे। लास्ट टाइम होता है हमारा कमाने का। अच्छा समझिए, वो हम 7 रुपए में देते हैं। अच्छा, तो ये कुछ सीन है। तो गाइस आपको तो जैसे लेना होगा ले सकता है, काफी सारी मेरे पास वैरायटी है। अगर एक से एक निकालते हैं, अभी टाइम बहुत कम है। ये देखिए जैसे ये लग्गू, ठीक है ना, छप्पर बोलते हैं ना, ये छप्पर दिल्ली के लैंग्वेज में बोला जाता है, छप्पर। ये पाकिस्तानी डिजाइन, एक से एक डिजाइन आगे भी मेरे को पास पड़े हुए हैं। देखो इसकी साइज एक्चुअल में दिखाऊं ना मैं आपको, ये कुछ देख सकते हो आप, इसकी साइज जो है काफी बड़ी है। मेरे घर दो आ जाएंगे इसमें। वाह, ये तिरंगा मिल जाएगा आपको थोड़ा पन्नी में, ठीक है, अंदर क्रोमिंग ग्रीन और रेड मिल जाएगा, बिल्कुल बढ़िया। और इसकी क्या है, सेम प्राइस ही है फिर कुछ डिफरेंस है इसमें? क्या डिफरेंस है भैया इसमें? अगर कोई एक साथ लेगा 50 पीस 800 रुपया, अगर कोई 100 पीस लेगा तो 700 रुपया भाव। अच्छा तो एक जो बंडल में हम लेते हैं तो उसमें कितने पीस होते हैं? 1500 पीस। 1500 पीस होते हैं, वो बंडल कितने का पड़ता है? वो इसके हिसाब से चलेगा। अच्छा हिसाब से चलेगा ना, कितने क्वांटिटी में ले रहे हो। अच्छा समझ, जितना बंडल रहेगा पूरा बंद लेगा तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। क्योंकि देखो हर दुकानदार, हर घर वाले अपनी मार्केट में सब कुछ खरीदारी करते हैं, सेलमैन से, उसकी शॉप है, किसी कुछ है। अगर जितना क्वांटिटी में बेचेंगे उतना ही उनको फायदा होगा, और जितना वो कम बेचेंगे, जैसे कपड़ा ही ले लेते हैं, उसमें कभी धागा निकला है, कभी कुछ निकला है। जैसे दुकानदारी में कुछ ना कुछ नुकसान होता है, तो किस पे जाता है? दुकानदारी पे। हर चीज उसी के ऊपर चलती है, इसमें हम छांट के देते हैं सबको। ये चीज आप लेते हो, ये पतंग अच्छी नहीं है, ये फटी हुई है, निकाल देते हैं। परचून में वो होता है जिसमें हम प्रॉफिट नहीं कमाते, मगर उसके ऊपर खर्चा डाल देते। अच्छा सही है, यानी अपना नुकसान करने के लिए सामने वाला सेटिस्फाई रहे, क्योंकि अगली बार जब वो शॉपिंग करने आए तो इस दुकान पे जरूर आए। अगर वो 4 बंदों को ना बोले कि इस दुकान पे ना जाए कि ये बंदा सामान करके देता है, तो काफी अच्छी चीज लगती है। एकदम अच्छा सौदा देते हैं, साफ सुथरा होता है, हमारी कोई कम्प्लेन नहीं आता गाइस, एकदम बढ़िया क्वालिटी का। ये बहुत सही लगा मेरे को गाइस, काफी अच्छा लगा। तो ऐसा बहुत कम ही लोग करते हैं, लोग बस अपना माल निकलवाना चाहते हैं, तो ये बहुत कम जगह पे होता है जो यहाँ पे देखने को मेरे को मिला है। अब बात करते हैं चरखरी की। ये देखिए तो ये देखो, इसे कहते हैं मैदानी मांझा। हुआ है ये देखो भाई, ये हमारे कारीगर का है। ये देखो ये। अच्छा इसमें मतलब मांझे में एक्चुअल में क्या देखा जाता है, जैसे कोई खरीदना? इसकी धार देखी जाती है, कैमरा जस्टिस नहीं, खींचने वाला। अच्छा ये खेंचा है, खेच का। अच्छा ये खेच का मांझा है ना, जो मैदानी जिसको बोलते हैं। अच्छा मैदानी मांझा उसको बोलते हैं, खेच मांझा। अच्छा, जो दिल्ली में मेन चलता है, हमारे पंजाब में नहीं ऐसा मांझा चलता। ये है दिल्ली का। अच्छा मैदानी। और जो पंजाब का है वो ये है। चलिए पंजाब का भी इनके पास मिल जाएगा। जो सबसे बढ़िया फेमस और बड़ी पतंग के लिए, छोटी पतंग के लिए एकदम बढ़िया क्वालिटी का। जिसकी आज तक हमारे कंप्लेन ही है ऑल इंडिया पर, इंटरनेशनल हाई लेवल पर। अच्छा, वैसे मांझा में सबसे ज्यादा मांझा कौन सा बिकता है, वैसे बता सकते हो? 12 तार 16 तार। 12 तार 16 तार इंटरनेशनल हाई लेवल पे है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो, इसकी पकड़ देखिए। ओ गाइस, लिटरली मैं बताऊं काफी सही है और काफी शार्पनेस है। भैया देखिए, भैया जो है ना, ये देखो गाइस, जितनी मर्जी बारिश कर लो आपको नॉइज सुनाई दे रही होगी। पूरा तंका लग रहा है इसका, पटाखे मार रही है, सही में बुलेट वाले पटाखे मार रही है। और इसकी जो शार्पनेस है ना गाइस, ये देखिए, देखो देखो यहाँ पे, देखो ये देख सकते हो, यहाँ पे चमक चमक से लग रही होगी। देखो ये देखो चमक रही है। सबसे बड़ी बात एक और, 12 तारा 12 तावा 6 तावा 3 तावा 1.5 तावा 1 तावा, जैसे मर्जी से उड़ाओ, अगर टूट जाए तो चरखी वापिस। वाह यार, मानना पड़ेगा गाइस। तो गाइस मांझी की तो बात होगी, अब सद्दिक में पूछते हैं इनके पास सद्दिक में क्या क्या मिल जाएंगे। सद्दी सर नॉर्मल जो है, ऐसे नॉर्मल सद्दी के जैसे कि ये लगी पड़ी है यहाँ पे ना, क्या करते हैं जो बढ़िया क्वालिटी जो हमारी फेमस है, ये 12 तार की 3 रील की चरखी, 16 तार की 4 रील की चरखी, 16 तार की 6 रील की चरखी, ये जो सबसे फेमस है। बाय द वे, इसका ये नुकसान है, अगर पशु पक्षी कुछ भी किसी के ऊपर भी गिर जाए वह तुरंत टूट जाती है। ये नहीं जो नुकसान गट्टू से होता है, चाइना डोर से होता है, हमारी डोर से नहीं होगा, क्योंकि ये अगर बारिश भी हो जाए गल जाती है, वहीं पे इसका काम असर हो जाता है। मगर ऑनलाइन जो अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं हम, ज्यादा करते हैं इस चरखी से, 16 तार से। हमारे पंजाब में ज्यादा यही चलती है, पतंगबाजी में यही इंजॉय करती है। दिल्ली में जो गट्टू गट्टू लोग कहते हैं, हम गट्टू के लिए कुछ भी नहीं ऐसा सोचते, और ना ही किसी को बेचते। सही बात है। सबसे बढ़िया यही चीज है, अपने बच्चों को अपनी लाइफ में उसको यही चीज उड़ाना चाहिए, और इसके आगे पीछे सद्दी और गट्टू मत लगाना, अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा इंजॉय करना है। क्योंकि हमारे पास गाड़ी है, डीजल भी है, पेट्रोल भी। सही बात है। जो बड़ी गाड़ी है ये है डीजल 16 तार, उसके नीचे है 12 तार जो है पेट्रोल। ये खींच वाली है, वो आगे पतंगबाजी चलाने वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। इससे चाहे जितनी मर्जी बड़ी पतंग उड़ा लो, उससे चाहे जितनी मर्जी उड़ा लो, उड़ाने का ढंग अपना है। हाँ, ये चलाने वाले पे डिपेंड करते हैं कौन कैसे चला रहा है। हाँ, तभी तो इंसान इंजन अलग अलग बनाता है। पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डाल देते हैं। हाँ, तो गाड़ी का इंजन बैठ जाएगा, जाहिर सी बात है। पेट्रोल वाली में डीजल डाल दोगे तभी गाड़ी खराब। इसका रीजन क्या है, इसकी आगे पीछे सदी लगा दोगे या गट्टू लगा दोगे तो गंजनापन महसूस होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपकी पतंग कट जाएगी। कड़ी नहीं होगी, पूरी एक्सीडेंट नहीं होगा, पूरी एकदम पावरफुल पे नहीं गाड़ी, इसमें दौड़ेगी नहीं। तो जो इसके आगे पीछे हम डीजल या पेट्रोल अलग अलग डाल देंगे, वो तो मेरे भाई सामने बाकी ने, तो उसके बाद क्या होगा, झटके देना स्टार्ट हो जाएगी, झटके देना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, यही चीज है। काफी अच्छी चीज बताई। तो ये काफी डीपली मैसेज है उन लोगों के लिए जो पतंगबाज बनना चाहता है, किसी पे दिमाग होगा तो वो समझ जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छी चीज हमने बताई। क्या बात थी, मेन बात थी, कुछ हमारे लोगों ने ऐसी चरखी दे जाती है। हाँ, माइंड में कोई बात नहीं होती, चरखी मंगवा लेते हैं, उसके आगे पीछे सद्दी या गट्टू लगा देते हैं। अंकल जी हमारी पतंग कट गई। अच्छा अच्छा। उसको ये नहीं पता होता इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाना, अगर इसी से उड़ाई, इसी के कन्ने डालो, इसी से उड़ाओ, अगर ना कटे तो फिर हमें बोलो। अच्छा। अगर नहीं कटी तो हम आगे इसकी पूरा बायोडाटा। लोग एक्चुअली में पता क्या करते हैं, लोग जोशबारी में पतंग काटने के चक्कर में, मतलब पतंग ले लेते हैं, वो उड़ा लेते हैं, फिर कट जाती है, वो इतना सोचते नहीं है, फिर अगली पतंग उड़ाने लगे। मतलब लोग जो है ना वो पहले वाले नहीं रहे जो पहले पतंगबाज थे। ठीक है, आजकल के जो हो गए ना, ये क्या बताऊं मैं, छोड़ो हटाओ। अभी तो हम पतंग की वीडियो बनाने आए, उन पर डिमांड करते हैं, अगर ऐसी बातें करने लगे तो सुबह हो जाएगी, क्योंकि तो समय बदल चुका है। इससे आगे ऊपर मैं लेके चलो, अभी ऊपर चलते हैं। हाँ ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो भी रहेगी। तो ये क्लिप यहीं तक की थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल का ऑप्शन दबा देना, इससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो ऊपर का होगा। और ऊपर का जो स्टॉक है ना गाइस, क्या बताऊं, काफी नेक्स्ट लेवल का स्टॉक है, तो वो देखने को मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, बाय।